नमस्कार। आज आप लोग एक अजूबा वीडियो देखने जा रहे हैं, जिस वीडियो में आपको प्रश्न जो जातक के द्वारा किया जाता है तथा बहुत लोगों के मन में संशय होता है कि गर्भिणी को पुत्र होगा या पुत्री, तो आपको सबसे सरल उपाय और सबसे सरल तरीका आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, जिसे आप देख करके चुटकियों में आप गर्भ प्रश्न विचार कर सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पहले आप इस प्रकार का चार लाइन लंबी और चार लाइन पड़ी एक रेखा बनाएं, एक कोष्टक बन जाएगा। इसमें 9 कोष्टक बनेंगे, जिसमें र यहाँ लिखें इस कोने में, ईशान कोण में, र से रवि, च से चंद्रमा, म से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 7 ग्रह को बैठाएं और बाकी 2 ग्रह को खाली कर दें, अर्थात ईशान कोण और नैऋत्य कोण को खाली छोड़ दें। उसके बाद आप उस रेखा को आप बना चुके हैं और इसी के आधार पर आप गर्भिणी के प्रश्न विचार कर सकते हैं। गर्भ प्रश्न विचार करने का सबसे सरल तरीका है, आप आसानी से निकाल सकते हैं और समझा सकते हैं, जातक को बता सकते हैं। ऐसे तो बहुत से वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे, लेकिन इतने छोटे वीडियो आपको आसानी से समझने के लिए नहीं मिल पाएंगे, जिसका सटीक उत्तर भी बैठता है। अब इसको समझें कैसे, ये तो हमने बना लिया। किसी के गर्भ में पुत्र है या पुत्री है, यदि इसकी परीक्षा करनी हो तो उपर्युक्त चक्र, यानी ये चक्र जो बना हुआ है, में आप हाथ की उंगली को रखवाएं, यानी रखने को जातक से कहें कि ये जो 9 खाने बने हुए हैं, इसमें 9 खाने में किसी भी घर में आप जिस पर मन करता हो, आपका विचार कर रहा हो, उसे खाने में आप अपना उंगली रखें। इस प्रयोग में रवि, गुरु और मंगल, रवि, गुरु और मंगल, यानी ऐसे समझें, इस प्रकार से समझें। इस प्रकार से यदि समझ रहे हैं तो रवि, गुरु, मंगल में उंगली पड़े तो पुत्र होगा, अर्थात इसे समझें कि पुत्र होगा। अब आगे देखते हैं बुध, चंद्र और शुक्र। बुध, चंद्र और शुक्र, तो बुध, चंद्र और शुक्र, इसमें यदि आपकी जातक उंगली डालता है तो कन्या होगी, ऐसा हमें बताना चाहिए। अब रही, यहाँ पर देखिए एक शनि ग्रह है, तो शनि में यदि उंगली पड़े, यदि जातक अपना उंगली या कोई वस्तु या कलम रखता है, तो व्यास जी कहते हैं कि गर्भ गिर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं बरते, ये खाली होता है, ये भी शुभ नहीं होता है, यानी इसमें यदि होता है तो नपुंसक होता है, ऐसा आप समझें। यदि आपको वीडियो से कुछ लाभ ज्ञान प्राप्त होता हो, जानकारी अच्छी लगती हो, या इसे आप समझ करके आप इस समस्या से जातक को समझा बता सकते हैं, सब उसकी समस्या को हल कर सकते हैं, तो आप यदि कमेंट में लिखते हैं कि यह बहुत अच्छा है, यानी ओके, हाय, हेलो या कुछ भी आप लिखें, आज के युग में तो हाय हेलो ही बहुत ज़्यादा चल रहा है, यदि आपको अच्छा लगे तो जय माता दी, जय श्री राम या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।